किसान भाइयों, जैसे कि धान की बालियां निकलने के बाद अगर हमारी फसल में शीत ब्लाइट, ब्लास्ट, फॉल्स मट या फिर डेटी पैनिकल जैसे रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं, या पिछले साल भी इन रोगों का अटैक हमारी फसलों में काफी देखा गया है, तो फिर हमें बालियां निकलने के बाद भी एक अच्छे फंगीसाइड के स्प्रे करवा देना चाहिए। और इन बीमारियों में जो ब्लास्ट रोग आने का अनुकूल मौसम ये होता है कि रात के टेम्परेचर में ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, जैसे कि 22 से 28 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर ह्यूमिडिटी 95% से ज्यादा होने पर भी ब्लास्ट रोग हमारी फसलों में बहुत तेजी से फैलता है। और इसके अलावा भी नाइट्रोजन का प्रयोग ज्यादा करने से या ओस के जमा हो जाने से या फिर पत्तियों के लंबे समय तक गीला रहने से भी ये ब्लास्ट रोग हमारी फसलों में फैलता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्लास्ट के कारण जो नुकसान होता है तो वह फिर ठीक नहीं हो सकता, बस इतना हो सकता है कि फंगीसाइड की स्प्रे करने के बाद ये ब्लास्ट फिर आगे नहीं बढ़ेगा। और धान की फसल में ये चार तरह से ब्लास्ट आते हैं, जैसे कि लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट और कॉलर ब्लास्ट। और इनमें से सबसे ज्यादा लीफ ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट देखा गया है। और जो लीफ ब्लास्ट आता है ये बालियां निकलने से पहले स्टार्ट होता है और धान के पकने तक रहता है, और जो नेक ब्लास्ट आता है ये बालियां निकलने के बाद आता है। और इसलिए कहते हैं कि प्रिवेंटिव में ही हमें फंगीसाइड दवा का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, मतलब पहली स्प्रे बालियां निकलने से पहले और दूसरी स्प्रे बालियां निकलने के बाद करते रहना चाहिए। और इसके अलावा किसान वीरों, जो ये शीत ब्लाइट रोग आता है ये पौधे के तने से स्टार्ट होता है और कुछ दिनों में ये पूरे पौधों में फैल जाता है, जिससे पौधे सूखे हुए दिखाई देते हैं और बाद में दानों का रंग भी लाल हो जाता है, जिससे बाद में फोक बनना स्टार्ट हो जाती है। और बाद में हमारे किसान भाइयों को काफी नुकसान देखने को मिलता है और फसल पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आज की वीडियो में हमने स्पेशल फोकस किया है कि बालियां निकलने के बाद में हमें कौन से फंगीसाइड का दूसरी बार स्प्रे करना है। मगर उससे पहले जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि धान की फसल में बालियां निकलने के बाद कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान वीरो, धान की बालियां निकलने के बाद कोर्टेवा ने पेश किया है इनोवेटिव प्रोडक्ट, जो कि है गैलीलियो वेव फंगीसाइड, जिसे हम शीत ब्लाइट, ब्लास्ट, फॉल्स मट और डटी पैनिकल जैसे रोगों की रोकथाम के लिए और इन रोगों पर काबू पाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले ये ड्यूपोंट के नाम से आता था और अब ये कोर्टेवा के नाम से आ रहा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि कौन सा असली है या कौन सा नकली है। और अब जो पैकिंग आएगी उसके ऊपर कोर्टेवा लिख के ही आएगा। तो बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक विद ट्रांसलैमिनर एक्शन वाला फंगीसाइड है, जैसे कि इसकी स्प्रे करने के 2 से 3 घंटे के अंदर ही ये हरी पत्तियों द्वारा पूरे पौधों में समा जाता है। और ट्रांसलैमिनर एक्शन होने के कारण ये पत्तियों के आर पार हो जाता है और बारिश के आने पर भी ये धुलता नहीं है। और इसमें जो टेक्निकल आते हैं वो है पिकॉक्सिस्ट्रोबिन 7.05% प्लस प्रोपिकोनाजोल 11.71%, और ये ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है। और गैलीलियो वे का स्प्रे आप धान की फसल के अलावा गेहूं, गन्ना, मक्का, सरसों की फसल पर भी कर सकते हो, मतलब कि हर एक फसल में आप इसकी स्प्रे कर सकते हो। और इसकी जो सही मात्रा रहेगी वो है 400 ml प्रति एकड़, मतलब ये 400 ml को आपको 200 लीटर पानी के हिसाब से यूज करना है। और गैलीलियो वे का स्प्रे धान की फसल में बालियां निकलने से पहले और बालियां निकलने के बाद भी कर सकते हो, मतलब इसकी स्प्रे प्रिवेंटिव में और रोग आने के बाद मतलब क्योरिटी में भी कर सकते हो। दोनों में इसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं और फसलों पर इसका फोटोटॉनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि झंडा पत्ता लास्ट तक हरा रहता है, दाने चमकदार, वजनदार और एकदम साफ मिलते हैं। और बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो मार्केट में इसके 1 लीटर पैक की कीमत रहेगी 1700 से 1800 रुपए के बीच में। और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हो। तो किसान मेरो, यही सब कुछ था कि कोर्टेवा के गैलीलियो वेव फंगीसाइड के बारे में। धन्यवाद।